आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं भुवनेश्वरी, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। आचार संहिता लागू होते ही शहर से हटने लगे बैनर पोस्टर, प्रशासन हुआ सख्त। मुजफ्फरपुर विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही जिला प्रशासन के आदेशों के अनुसार तमाम जगहों से राजनीतिक बैनर पोस्टर को हटाया गया। इसको लेकर जिला प्रशासन ने एक डेडलाइन समय रखा गए। इसी के मद्देनजर शहर के सभी चौक चौराहों से राजनीतिक बैनर पोस्टरों को नगर निगम के द्वारा क्लीन किया जा रहा है। वहीं एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सभी के लिए अनिवार्य हो गया। उन्होंने कहा कि सरकारी बिल्डिंगों से भी प्रेस नोट जारी होते ही 24 घंटे के अंदर राजनीतिक रूप से लगाए गए या लिखे गए हैं उसे हटा देना है। मुजफ्फरपुर से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। लेकिन फिर भी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अवसर पर प्रेस नोट जारी होते ही आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सबों के लिए अनिवार्य हो गया है। इस क्रम में जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन पर प्रेस नोट जारी होने के 24 घंटे के अंदर सभी प्रकार के डिफेसमेंट के मामले को हटा देना है, चाहे वो बैनर हो, पोस्टर हो या वॉल राइटिंग हो जो राजनीतिक रूप से लगाए गए हैं या लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, रोड है, बिजली के खम्भे हैं, पुल पुलिया है, उन पर जो राजनीतिक नारे या उससे संबंधित मतदाताओं को आकर्षित करने से संबंधित जो भी उन लोगों ने लगाए हैं पॉलिटिकल नारे, उन सब को हटाने के लिए अंतिम रूप से 48 घंटे का प्रेस नोट्स जारी होने के 48 घंटे का समय दिया गया। जबकि वैसे सभी स्थान जो निजी क्षेत्र में आते हैं, निजी जिनका अपना मकान है और वहाँ पर डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी किया गया है और उस पर बिना उनकी सहमति के, ओनर के सहमति के वो किया गया है, उसको भी अंतिम रूप से हटाने के लिए 72 घंटे का समय सभी राजनीतिक दलों को दिया गया है। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने अलग से चिट्ठी दिया है। आज सभी राजनीतिक दलों की बैठक भी की गई जिसमें मुख्य एजेंडा यही था कि वे लोग स्वतः हटा लें, अन्यथा बाध्य होकर के न सिर्फ हटाएंगे उसका व्यय भी वसूलेंगे और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे।